हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर सीख रहे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट मींस अल्केन का। और अल्केन का नामकरण करने के लिए दो भागों में हम लोग विभाजित किए, पहला था फॉर अनब्रांच्ड अल्केन्स और दूसरा था फॉर ब्रांच्ड अल्केन्स। तो हम लोग सीख रहे थे नामकरण किसका, तो नामकरण ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन्स सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कॉमन सिस्टम का तरीके से अनब्रांच्ड अल्केन्स का नामकरण सीख लिया था। अब हम लोग देखेंगे इन आयुर्वेदिक सिस्टम, इन आयुर्वेदिक सिस्टम में अनब्रांच्ड अल्केन्स का नामकरण किस तरह से किया जाएगा। इसे तो इसके लिए क्या क्या हम लोगों को जरूरत होता है नामकरण करने के लिए, तो इसमें क्या करते हैं, वर्ड रूट जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसका वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स को ऐड कर देंगे। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स को ऐड करते हैं इन आईबीसी सिस्टम में किसी भी अल्केन्स के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए, या तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स के जगह पर एएनडी लिख सकते हैं। एएनडी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग अल्केन का नामकरण सीख रहे हैं और अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में और उसके लिए प्राइमरी सफिक्स में एएनडी का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल से नामकरण सीखते हैं। तो इसके लिए दो कॉलम मैं बनाऊंगा, पहला कॉलम रहेगा फार्मूला के लिए और अल्केन का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, CnH2n+2 और इसका जो है सो आईयूपीएसी नेम की जो भी फॉर्मूला रहेगा अल्केन का उसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम लोग n बराबर 1 रखते हैं तो फॉर्मूला हम लोग को प्राप्त होता है CH4। कितना कार्बन है, एक कार्बन। क्या है नियम नामकरण करने का आईयूपीएसी सिस्टम में, वर्ड रूट प्लस एएनडी को सम करना। वर्ड रूट क्या होगा एक कार्बन के लिए, मिथ होगा, तो MeTH लिखेंगे। उसके बाद जोड़ना क्या है, AnH जोड़ेंगे, जोड़ दो AnH, क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, यानी CH4 पॉलीप्रेशर सिस्टम में मीथेन कहते हैं। दूसरा, अगर n बराबर 2 रखें तो फार्मूला क्या प्राप्त होगा, C2H6 प्राप्त होगा और C2H6 को ओपन करके क्या लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं। क्या नाम हो जाएगा दो कार्बन के लिए, मिथ, और क्या जोड़ेंगे AnH, क्या नाम होगा, मीथेन। उसके बाद तीसरा भी इसी तरह रख सकते हैं, n इक्वल टू अगर 3 रखते हैं क्या प्राप्त होगा, C3H 8 हो जाएगा और इसको हम लोग ओपन करके क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3। फिर से इस रूट को लगाओ, वर्ड रूट के कारण के लिए प्रो जोड़ना है n, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन नाम हो जाएगा। उसी तरह से n बराबर 4 के लिए देखते हैं, n बराबर 4 के लिए क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा और C4H10 को ओपन करके क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। कुछ इस तरह से, या तो इसको और एक तरीका से लिखा जा सकता है, कैसे, क्या CH2 कितना बार रिपीट हुआ है, या CH2 देखो तो कंपाउंड दो बार रिपीट हुआ है, तो दोनों CH2 को इस तरह से लिख सकते हैं, और CH3 और CH2 कितना बार रिपीट हुआ, दो बार, इसको हॉल करके 2 लिख सकते हैं और बाद में आखिरी में जो रहेगा CH3 उसको CH3 लिख देंगे। इस तरह से अभी कितना कार्बन है, 4। वर्ड रूट में 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं और AnH जोड़ देंगे, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन नाम हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि इस तरह से इसका नामकरण किया जाएगा, लेते हैं। अगला एग्जांपल में देखते हैं, अगर एक बराबर हम लोग 5 रखें तो फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, CnH2n+2 में रखो n बराबर 5 तो C5H12 हो जाएगा और C5H12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3 CH2 दूसरा कार्बन, या हो गया तीसरा कार्बन CH2
यह हो गया चौथा कार्बन और यह हो गया पांचवा। और इसको और भी शॉर्ट तरीके से क्या लिख सकते हैं कि CH2 को काउंट करो कितना बार रिपीट हुआ है, तीन बार रिपीट हुआ है। इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल कितना बार, तीन बार। और फिर क्या लिखेंगे लास्ट वाला CH3, यह हो गया। इसका नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है आपका पांच के लिए पेन और क्या जरूरत है ए, क्या नाम हो जाएगा पेंटेन नाम हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना इसमें नॉर्मल शब्द नहीं जुड़ेंगे, नॉर्मल शब्द सिर्फ कॉमन सिस्टम में, हाई बेसिस सिस्टम में सिर्फ वर्ड रूट प्लस ए एन ए और अनब्रांच करके के लिए। अगर कॉमन सिस्टम में नामकरण कर दे तो स्मॉल एन जोड़ते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग नामकरण कर रहे हैं हाई बेसिस सिस्टम में इसलिए यहाँ पर एन नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ वर्ड रूट को प्राइमरी सफिक्स से जोड़ेंगे या तो वर्ड रूट को ए एन ए शब्द से जोड़ेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एन बराबर दस रहा, एन बराबर दस रहता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, सी टेन एच 22 हो जाता और एच 22 हो जाता, इसका आप जोड़ो वर्ड रूट प्लस ए एन ए। 10 के लिए वर्ड रूट क्या है, डी ई सी है, डेप्थ होते हैं और ए एन ए जोड़ो, क्या नाम हो जाएगा डेकेन नाम हो जाएगा। उसी तरह से अगर एन इज इक्वल टू 11 लेते हैं तो 11 के लिए क्या हो जाएगा, सी 11 एच 24 हो जाएगा। कुछ इस तरह से 11 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं वर्ड रूट में, तो अनडेक लिखते हैं। कुछ इस तरह से ए एन ए जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, अनडेकेन हो जाएगा। उसी तरह से एन इज इक्वल टू अगर हम लोग 15 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सी 15 एच 32 है ना। और अगला के अनुसार 15 के लिए वर्ड रूट में क्या लिखते हैं, 15 के लिए लिखते हैं हम लोग पेंटा डेक और ए एन ई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा पेंटा डेकेन। तो वर्ड रूट को याद रखना मस्ट है, अगर वर्ड रूट याद नहीं रखोगे तो फिर नामकरण लिखने में दिक्कत होगा। उसके बाद अगर एन बराबर 19 रखते हैं क्या लिखेंगे, 19 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी 19 एच 40 हो जाएगा। कुछ इस तरह से अब इसका वर्ड रूट 19 में क्या होता है, तो वर्ड रूट होता है नोना डेक, ये हम लोगों ने देख चुका है। और ए एन ई जोड़ेंगे नाम हो जाएगा नोना डेकेन। कुछ इस तरह से उसी तरह से अगर एन बराबर हम लोग 20 रखते हैं, 10 बराबर 20 रखेंगे फॉर्मूला आ जाएगा सी 20 एच 42 फॉर्मूला। और इसके लिए अगर हम लोग लिखे वर्ड रूट 20 के लिए, तो 20 के लिए मैंने बताया था आई कॉस लिखते हैं आई कॉस, और अल्केन के लिए ए एन ई जोड़ेंगे क्या नाम हो जाएगा आई कोसेन हो जाएगा, है ना। उसी तरह से लोग बोलेगा सर अगर एन बराबर 30 के लिए लिखे तो 30 के लिए लिख सकते हैं सी 30 हो जाएगा और एच 62 हो जाएगा। इसके लिए जो वर्ड रूट होता है होता है आपका ट्राया कॉन, ट्राया कॉन होता है और अल्केन के लिए ए एन ई जोड़ देंगे क्या हो जाएगा ट्राया कॉन्टेन नाम हो जाएगा इसका, है ना। इसी तरह से हम लोग एन बराबर 40 का लिख सकते हैं, अगर एन बराबर 40 में तो सी 40 हो जाएगा एच 82 हो जाएगा, है ना। इसके लिए जो होता है आपका वर्ड रूट होता है टेट्राकॉन और अल्केन के लिए एन नाम हो जाएगा टेट्राकॉन्टेन। एन बराबर 50 के लिए सकते हैं, 50 के लिए क्या लिखेंगे तो सी 50 एच 102 नाम हो जाएगा। इसके लिए वर्ड रूट में होता है पेंटाकॉन और इसके लिए एन ए सब जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा पेंटाकॉन्टेन। तो यह था आपका और अनुब्रांश अल्केन का आईबीसी सिस्टम में नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है बहुत चीज याद रखना है। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट क्या होगा कितने कार्बन का यह याद रखना है, और अल्केन का सब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है एएनए होता है उसको याद रखना है। अगर दोनों को सम कर देंगे तो अल्केन में विदाउट ब्रांच वाले कार्बन के चेन को इतना इजीली से जो है दोनों नामकरण कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रांच अल्केन का नामकरण कॉमन सिस्टम में और आईपीसी सिस्टम में कैसे किया जाएगा।